हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। नाइस फ्रूट फार्म में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आज मैं आपको सीताफल में यानी कस्टर्ड एप्पल में जो हमारा आज का जो काम हो रहा है उसके बारे में बता रहा हूं। हम लोग यहां पे नीचे देखिए, आप जैविक खाद डाल रहे हैं, कृषि अमृत और ग्रीन गुजरात का डाल रहे हैं। एक झाड़ को आधा किलो के हिसाब से डाल रहे हैं। अभी तकरीबन ये झाड़ जो है 15 महीने के हो चुके हैं और इसके ब्रांचेस भी आप देख लीजिए अच्छे खासे डेवलप हो गए हैं। 3-3, 4-4 फुट के ब्रांचेस हो गए हैं। हमको सिर्फ एक झाड़ से 3 ही ब्रांच लेना है। जब हम इसको कट करेंगे यहाँ से, फिर जो भी ब्रांच आएंगे 3-3 ही रखना है। 3-3 हाथ हो गया। इस तरह से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं पानी का। अभी देख रहे हैं, मैं पे बेड किस तरह से बना रहे हैं। ये ट्रैक्टर आया हुआ है, छोटा ट्रैक्टर, बरोबर हमारा डिस्टेंस जो है 8 फीट का डिस्टेंस है। 8x3 का हमारा प्लांटेशन है। इसके पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ मैं, 3x मतलब प्लांट से प्लांट 3 फुट है और रोड टू रोड का डिस्टेंस जो है ना 8 फीट है। आप देख लीजिए किस तरह से हम इसको सफाई कर रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ पे बेड बनाने का काम चल रहा है। जब बेड पूरा कम्प्लीट हो जाएगा, मतलब अभी आपको बेड कम्प्लीट होने के बाद मैं आपको बताऊँगा। हाँ तो किसान भाइयों, ये देख लीजिए, अभी हमारे कस्टर्ड एप्पल में बेड पूरी तरह से तैयार हो गया। जब काम चल रहा था ट्रैक्टर से, जब खुदाई किए, हमने नांगर मारा, कुलव मारा, जब मट्टी जब लूज़ किए, तो मैन्युअली मैंने ये इस तरह से बेड तैयार किए और ड्रिप लाइन भी बिछा लिया। लेकिन अभी कुछ दिन के बाद में हम इसको क्या करेंगे, ड्रिप लाइन को 6 इंच पे इस तरह से उठाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा, कौन सी ड्रिप लाइन से पानी आ रहा है, कौन से नहीं, ये हमको पता चलेगा। नीचे रहने से हमको पता नहीं चलेगा। तो कुछ दिनों के बाद में मैं इसको 6 इंच के ऊपर इस तरह से बांध दूँगा। तो सीताफ यहाँ पे बेड बनाने की वजह यह है कि सीताफल को पानी बहुत कम लगता है और जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा यहाँ से नीचे आ जाएगा। और हमने यहाँ पे कटिंग भी की कर चुके हैं। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा कि सीताफलों की कटिंग किस तरह करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स।